हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 54 करेंगे। डेट है इसकी 25 अगस्त 2021। और इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राइज एंड शाइन, लेट अस रीड अ शॉर्ट पोएम गिवन बिलो। शुभ प्रभात बच्चों, राइज करो और शाइन करो, यानी उगो और चमको। तो आइए अब हम एक छोटी सी पोएम पढ़ते हैं। वन ट्री वन पॉन्ड एंड अ ब्राइट सन, सिंगुलर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वन। टू गर्ल्स थ्री बीज एंड मैनी शेल्स ऑन द शोर, प्लूरल ऑलवेज स्टैंड फॉर टू और मोर। तो यहाँ पर ये पोएम हमें क्या बताती है, वन ट्री है और एक तालाब है और एक ही सन है। तो जब हम एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर, सिंगुलर से क्या बनकर आ रहा है, सिंगल बनकर आ रहा है, यानी ओनली एक चीज़। और जब हम बात कर रहे हैं दो लड़कियों की, तीन मधुमक्खियों की और बहुत सारी चीज़ों की, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करें तो वो प्लूरल में आता है। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो तो सिंगुलर हो गया, और अगर हम कई व्यक्तियों की बात करें, कई चीज़ों की बात करें तो वो प्लूरल हो जाएगा। Now look at the pictures given below carefully and encircle the word that matches with the picture. Remember, a singular noun can one person, place or thing. A plural noun names more than one person, place or thing. तो यहाँ पर आपको pictures दे रखी हैं, अब आपको उन pictures को देख के circle करना है कि वो picture किससे है, सिंगुलर से है या प्लूरल से है। और सिंगुलर नाउन्स हमेशा एक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए होता है, और प्लूरल हमेशा एक व्यक्ति, एक जगह या एक चीज़ से ज़्यादा की अगर हम बात करें तो वो प्लूरल में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए, ये क्या है, एक बिल्ली है, सिर्फ एक अकेली है ना, तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो कैट और एक कैट्स। कैट्स में एस लग रहा है, कैट्स बोल रहे हैं हम इनको, कैट्स का मतलब है कई सारी, लेकिन अगर हम अकेली एक कैट बोलें तो वो सिंगुलर में आएगी, और ये तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें सर्कल करना है तो यहाँ पर मैं सर्कल कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, बादल हैं, तो क्लाउड्स होगा, ना कि एक क्लाउड तो है नहीं, क्लाउड्स हैं, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। ये क्या है, सिर्फ एक एप्पल है या एप्पल्स हैं। जब ये एस लग जाता है, जब हम बोलते हैं एप्पल्स, लास्ट में एस बोलते हैं, तो वो कई सारों के लिए होता है, तो एप्पल्स है ना, ये कई सारे हैं, एप्पल तो नहीं है, तो ये वाला जो है नीचे वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये तो जूते हैं, दो है ना, दो हों या दो से ज़्यादा हों, वो किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं, तो शू तो नहीं है, ये शूज़ हैं, यानी कई सारे। उसके बाद ये क्या है, फ्लावर या फ्लावर्स, अब एस लग रहा है लास्ट में, तो इस वाले का मतलब तो कई सारे हो गए, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, तो ये फ्लावर है ओनली। उसके बाद ये क्या है, अकेला रेनबो है, तो रेनबोज नहीं है ये क्या है, रेनबो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है टॉक टाइम, इसमें ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं ये आपको कल्पना कर लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, हे भालू प्लीज़ गिव मी वन, यहाँ पर ये जो मंकी है वो भालू से कह रहा है, हे भालू प्लीज़ मुझे एक दे दो, या आप भालू की जगह यहाँ पर बियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम बियर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ठीक है, हे बियर प्लीज़ गिव मी वन, मुझे एक दे दो। अब आप दे दो कि मतलब वन मैंगो भी लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये मैंगो है तो आप मैंगो लिख दो, अगर आपको लग रहा है फ्रूट है तो आप फ्रूट लिख दो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पिक्चर है तो इसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इन्हें मैंगो लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंगो ही देखने में लिख रहे हैं। तो ये जो है वो कह रहा है, या फिर कुछ मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैंने लिखवाया है ना, सिर्फ आप ये लिख दीजिए, हे बियर प्लीज़ गिव मी वन, हे बियर मुझे सिर्फ एक दे दो। तो ये कह रहा है, यस श्योर, हाँ ज़रूर, ये लो। और देखो भालू मंकी की हेल्प कर रहा है, उसे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शेयर करना चाहिए, और यहीं आपकी जो है वर्कशीट फिनिश हो जाती है। वर्कशीट को लाइक कीजिए, और आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।